राज्य सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में कड़ा लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार के इस तर्ज पर शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार की अगुवाई में शहर पुलिस ने रूट मार्च निकाला है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसकी शुरुआत शुक्रवार रात 8 बजे से होगी। इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी अत्यावश्यक कामों के अलावा घर से बाहर नहीं निकल सकते। लॉकडाउन के दौरान शहर की पूरी जिम्मेदारी अब पूरे पुलिस विभाग पर रहेगी। इसका नजारा शुक्रवार सुबह शहरवासियों को देखने को मिला। शुक्रवार को पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार इनकी अगुवाई में शहर पुलिस ने रोड मार्च निकाला। इस मार्च में पुलिस द्वारा कोरोना नियमों की जन जागृति लोगों में की गई। साथ ही लोगों से निवेदन किया गया कि लॉकडाउन के दो दिन जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले। पुलिसांकडून एरिया डॉमिनेशन वेगवेगळे ठिकाणी रूट मार्च सुरू आहे। लोकांचा जनताला अनाउन्समेंट आणि आवाहन करण्यात येते की कृपया करून जे नियम आहे निर्बंधांची सर्व तरतुदींचे बारकाईने पालन करावी आणि कोरोनाचे जे चेन सुरू झालेले आहे त्या ब्रेक करण्यामध्ये जे शासनाने हे धोरण आणलेले आहे त्याचे कृपया करून सगळ्यांनी पालन करावी। काही नाही, सगळ्यांशी बोलणी झाले, रस्त्यात भरपूर व्यापाऱ्यांशी बोलणी झालेली आहे आणि त्यांनी पूर्णपणे आश्वासन दिलेले आहे की शासनाचे निर्बंधांचे ते पालन करतील आणि ते प्रेमानी एकमेकांनी मिळून जे काही अडीअडचणी आहेत त्याचे निराकरण करण्यासाठी प्रशासन सुसज्ज आहे। परंतु कोणी अशा आक्रोश किंवा कोणी काही टकरावची भाषा वापरलेली नाही, सगळ्यांची अत्यंत चांगले प्रतिसाद आहे आणि पोलीस आणि ते जनता मिळून ही सर्व निर्बंधांचे अंमलबजावणी करते। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।